आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना, ये मंगवा हकीक है। मंगवा क्या मतलब? किसी से मांगा हुआ है। ये गर्मियों की तस्वीर है, गर्मियों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं हूं जान रैम्बो और मैं आपको दी जान रैम्बो शो में वेलकम करता हूं। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा मौजू ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी किस्मत बदलने के लिए कारोबार बदलते हैं, मेहनत करते हैं, शहर बदलते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं और अपनी किस्मत को बदल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं। अकेला ऐसे ही नहीं छोड़ देते, सितारों की चाल पे छोड़ देते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, आमिल बाबाओं के पास चले जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं जी कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, हम क्या करें, हम किधर जाएं, तो उनके चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो आज मैंने अपने शो में टैरो कार्ड रीडर, नजूमी बाबा और आमिल बाबा को बुलाया और एक ऐसे शख्स को बुलाया जो सुबह उठ के सबसे पहले अखबार खोलता है और उसमें से देखता है आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा, वो दिन उस तरह गुजारने की कोशिश करता है और कई सालों से वो यही कर रहा है, उसकी किस्मत नहीं बदली और पूछते हैं कि क्यों ऐसे कर रहा है। तो सबसे पहले नजूमी को मैं दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं। आपकी भरपूर तालियां नजूमी बाबा। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, जोगी ही आया दुआरे तेरे, नजूमी आव जहाज भी आया दुआरे तेरे। आप करते रहे जहाज, मैंने अपने रखे हुए, अपने रखे हुए, अपने खुली जगह रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट यार, अल नहीं, थोड़ी देर बाद आई शो मुकेगा फिर जाना है। क्या हुआ? आप नजूमी बाबा हैं कि मारिटा हैं? जहाज का स्टार भी देख रहा हूँ, मारिटा है जो होता है ना। हाँ, आप मुझे वो भी कह सकते हैं। नहीं, आप अंदर आए हैं, आप नजूमी हैं, आप गाने वाले हैं, आप कौन हैं? सर मैं पामिस्ट हूँ। पामिस्ट है। लकीरें हाथ की देख कर बता देता हूँ कि इंसान की जिंदगी कैसी गुजरेगी और कैसी गुजरी है। तो आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? ऐसे ही गुजर के इधर नहीं है, ऐसी गुजर रही है। आप अपनी जिंदगी पे भी कुछ मेहनत करते हैं या लोगों की जिंदगियां बताते रहते हैं? यार, दूसरों के लिए जीना चाहिए रैम्बो भाई। अच्छा। आप तो समझते हैं। हाँ। हम दूसरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है मैंने कि मैं दूसरों की खिदमत करूँ, इंसानियत की खिदमत करूँ, लोगों की तकदीरों के हाल उनको बताऊँ और एहतियात उनको बताऊँ कि उनकी जिंदगी आराम से गुजर। अरे वाह वाह वाह। इसके अलावा मैं स्टोन भी बताता हूँ। अच्छा। स्टार के हिसाब से बंदे को पत्थर बताता हूँ, नग बताता हूँ कि आपने कौन सा पहनना है। अच्छा, ये बताएं, ये मैंने क्या पहना हुआ है? ये आपने, ये मंगवा हकीक है। मंगवा क्या मतलब? किसी से मांगा हुआ है। नहीं, मांगा नहीं है, मुझे गिफ्ट मिले। एक बार कह दो, अगला पे दे को गिफ्ट हो जाता यार, इसकी बात है। सर मैं बता सकता हूँ आपके हाथ की लकीरें दिखाएं? हाँ जी। तकदीर बदल जाएगी, उसके बाद तकदीर बदल, लकीर ने चेंज करके मोड लेना, तकदीर च लहरा बहरा आ जानी ने, वो जिंदगी आने वाली है जिदी तुसी उम्मीद रखते हो। चले, बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत सारी बातें। और आपके हाथ की लकीरें मुझे बताती है कि मैं आपको वो पत्थर बताऊं, वो नग बताऊं जो आप पहने तो आपकी जिंदगी का एक मतलब और सीन बन जाए। अच्छा, वो कौन सा पत्थर है? इसके अलावा भी कुछ पहनना पड़ेगा? वो पहनना पड़ेगा। आपका नाम?
नाम डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं मुझे? मैं डेट ऑफ बर्थ अब ऑन एयर छोड़े आप बस बता दें, महीना बता दें, महीना जुलाई, जुलाई, जुलाई में, जुलाई को इधर दिया, जुलाई में मैंने 1500 बिल तार था, अगस्त में फिर आ गया था नॉन पागो पत्थर था और उसमें गर्मी थी। जुलाई के लिए आपके लिए एक नग में बताता हूँ, आपने वो पहनना है। कौन सा? आपने पहनना है खाली यकूत। खाली यकूत, यमनी यकूत, ईरानी यकूत तो सुना है। हाँ। ये खाली यकूत कौन सा है? आपने सिर्फ अंगूठी लेनी है। हाँ। उसमें नाग नहीं डलवाना और खाली जगह छोड़ के वो पहन लेनी है, वो है खाली यकूत। चलें बहुत शुक्रिया जी, आप आ गए हैं माशाल्लाह। ये पत्थर है जो मैं तोड़ कर बेचता। अच्छा, ये बड़ा कीमती पत्थर है। बहुत कीमती पत्थर है, इसको आप चुम लो दिल करदा थे। नहीं नहीं नहीं, जरूर नसीबा वाले तुसी। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, साडे वॉशरूम दा। हां मैं चुप ले, बहुत अच्छे है। मैं ये क्या नहीं लगा था कि पावे मैं चुम लावा तुसी को। अच्छा जी, मेरे अगले मेहमान है जी, एक टैरो कार्ड मेहमान। सारे तुसी जहाज ते बुला रहे हो? हां बस ऐसा ही है जी, देख ले। अच्छा जी, मेरे अगली मेहमान एक खातून है जो टैरो कार्ड रीडर है, वो कार्ड देख के बताती हैं किस्मत का हाल। तो तशरीफ लाती हैं टैरो कार्ड रीडर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है अभी, कैसे चल रहे हालात? बहुत शुक्रिया अल्लाह का शुक्र। शक्ल पे लिखा हुआ है तुम्हारे कि भूख चल रही है, वो भी मुसलसल पिछले 4 महीनों से। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। ये जॉ लाइन आम बंदे की बनती ही नहीं है। अच्छा, ये जॉ लाइन पुखे काट काट के बनती है। नहीं, पुखे काट काट के नहीं, मैं 1.5 घंटा जिम में लगाता हूँ तभी ये जॉ लाइन बनी है। जिम जाते हैं, जिम के होंठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, उनके हाथों में ऐसे ईंटों के डाले। आप टैरो कार्ड रीडर आगे से बात कर ले, आपने बोला जिम, ये देखो जिम का कार्ड निकला। जिम का, अरे वाह, जिम में बैठा हुआ है, जिम में बैठा हुआ बंदा है, जिन है ये, आप बैठे हुए क्योंकि जिन ही समझिए। अच्छा, जिन के कार्ड निकाले आप, उनको बताएं। ओ कम ऑन, आपका काम खत्म हो चुका है, ये पुराने दौर का है नजूमी और हाथ देखना। एक सेकंड में यूं आपके हर सवाल का जवाब देती हूँ और इससे कार्ड से आपकी किस्मत का हाल बता देती हूँ। आगे फिर मेरे पास में 1400 रुपया है, ताश निकाले बैठ जाते। आप अपना निकाल, ताश नहीं है ये कार्ड देख के, टैरो कार्ड रीडिंग है। फ्लैश भी पाउंदे ने रात नूं, सारी रात बैंक लाउंदे ने, सुबह उठ के साफ लाउण लग पैंदे ने। बदतमीज आदमी, बिल्कुल कह, बिल्कुल सही रहा है। अक्सर ये हो रहा था कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही होती हूँ और बीच में से कोई बंदा कह देता बेगम सुटो। हाँ। बेगम सुटो, सुटनी पड़ जाती है। अच्छा, लेकिन ये एक ऐसा तो दो बारी बंदे ने कहा कि खामन सुट। हाँ। चौके खामन बार मारा गली चपड़। अच्छा, पहले भी कर रहा था, मेरे फन को नहीं मान रहा था। देखिए, फन एक समंदर है। अच्छा जी, बिल्कुल। इसके अलावा हमारा फन एक डूंगा समंदर, कभी तारा कभी सिकंदर। अरे वाह, जेड़ा इस फन विच डूब जावे झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले पुराने जमाने के बाबे, इनको आजकल यकीन कौन करेगा? नया टैलेंट है मेरे पास, टैरो कार्ड रीडिंग। यू नो, आप जितनी भी नई जनरेशन है वो टैरो कार्ड साहब, आप भी मासूम बंदे हैं, आपको मैं क्या बताऊं। ये मेरा ख्याल 250 रुपए की ताश आती है, इससे सारी दुनिया को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते। चले, मैं ये इसका फैसला, इसका फैसला बाद में करते हैं। ईंटे उठा के नहीं घूम रही, बदतमीजी मत करना, मेरा फन है। हाँ। मेरे काम पे मैं कोई बात बता चुकी हूं, मैं आपको बता दूं, आपने मेरे पैसे पत्थर मार के ना सिर पार दिया, जो बच्चे के साथ बुलाया है। अच्छा, ये पानी उड़ देना, बड़ा कीमती पत्थर है, मैं बेचना है। मैं आपको बाद में दूंगा, कोई आपको ताश बोल के आग लाओ, इस ताश में अगर ये अंदर के एक मिनट का पेंडुला में मेरे पास, मेरे पास सोल का पेंडुलम है। मैं तेरे को नाग दस देंगे जिस दिन तू बकरी बन जाएगी। वो कौन सा नाग है? वो हैगा कि मैं। अच्छा, आप तशरीफ रखें, लड़े ना, शो कर दें यार, आप तो लड़ाई शुरू हो गए। अच्छा जी, अब मेरे अगले जमाते पढ़ गए तो ये इल्मे नजूम को भूल गए हैं। हाँ। शीशा में एम ही नहीं रखा। हाँ जी, किंजे रखे है वेला पे शिकार में तार रख लिया को। अच्छा, बच्चे ना तोड़ दे। शीशा उठा के यहाँ ले आए, घर में भाभी अपना मुंह देखने को बैठी है। भाभी मैं घड़ी नाल व्याह कीता जेड़ा ये दे नाल मुंह वेखदी है करके विचो। अच्छा, चले चले लड़े ना। अच्छा जी, मेरे अगले मेहमान एक आमिल बाबा है। देखे ना, मैं किस्मत के हवाले से जितने लोग हैं उन सबको बुलाऊंगा। बुलाएंगे जी आमिल बाबा, आपकी भरपूर। 4 दिन नींद नहीं आएगी, ये देख लो। ये क्या है? 4 of Swords का कार्ड है। 4 दिन नींद नहीं आएगी इस बंदे को, लिख के साइन ले। ओए, अभी 4 दिन नींद नहीं है, मैं की मतलब केनू 4 दिन नींद नहीं है। मुझे नींद ना आए, मैं गाना गाना। हाँ जी, छोड़ दो यार, रहने दो। आप भी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं आमिल बाबा। जादू टूना
बड़ा जादू है तेरे ते। हाँ जी मैं भी कहो पौने 2 लाख तो ज्यादा सब्सक्राइबर क्यों नहीं हुए। हाँ, रुके ना बाबा जी, बड़े बिल्कुल किसे चैनल वाले ने तेरे ते जादू की था। अच्छा। बाबा जी चैनल वाले ने नहीं, इनकी सास ने किया। तू प्रोग्राम दा होस्ट रहो जी। मैं कहन दिया कि इस सारे एरिया ते जादू होया है, टूड़ा होया। अच्छा, तेरा कारोबार किसने रोकया? रोकया बापे कोल बड़िया करामाता ने। हां सानू पता, सानू एडवांस पता हुंदा आने वाला टाइम किवें आउणा। अच्छा, किवें आएगा? ए रात 12 बजे अनारकली की होना, तेनू पता की होना है? सारी दुकानां नु ताले बज। अरे ये तो सबको पता है, सबको पता। नवीआं जुल्फां रखीआं ओह कट के ते लोकां नूं वंडदा फिरदे जी, मेरीआं करामातां ने। एडी ठंड च मैं मोटरसाइकिल ते आया, इस तों वड्डी करामात की हो सकदी? बाबा जी बह जाओ सर। एक्सक्यूज मी, मैं इस बंदे के साथ नहीं बैठूंगी, बहुत बू आ रही है। सॉरी मैं नहीं बैठूंगी, आई एम सॉरी, नो नेवर, नो। मैं रैम्बो साहब जेड़ा तुसी बहुत स्मेल आ रही है, मैं दो सीटा ते कल्ला किवें बवांगा? लेट जा बाबा, लेट जा। ए बाजी जेड़ा बंदा तुसी बुला रहे बस च बवे ना, ते बाकी सवारियां थल्ले उतरांदियां भी, जां बाबा जाएगा जां फिर असीं जावांगे। यार देखो नहर च छाल मारे, बाकी जेड़े नहाउंदे तों बाहर निकल के बाहर बह जांदे ने। क्यों कतून नाला भाई साडी खैर। ओ वाह रैम्बो, सेकंड मैरिज का कार्ड, सेकंड मैरिज आपकी, सेकंड मैरिज का कार्ड दिख रहा है। ये नहीं हो सकता कुड़ी, ये नहीं हो सकता। क्यों? ये तेरे कार्ड झूठे, अपना चाटा ना पटा ले, साडी परजाई सख्त बहुत ही, तू ओनु सॉफ्ट समझ नहीं। हां बिल्कुल, मेहरबानी जा। अच्छा अब आप चुप करके बैठेंगे, लेकिन मेरे अब आपको कोई इतराज तो नहीं है बैठने में? नहीं मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरे काम में मत बोलना वरना तुम्हारा ही अच्छा उड़ा के तुम्हारे मुंह पे मार। मेरे ना बैठाती ताश देगी ने, मेरे को 700 जीत जाना है। ये ताश नहीं है, ये टैरो कार्ड है। टैरो कार्ड है बाजी, वही है। इन्होंने हुण ही मैनू कहना जिन बाहर आवे कि अंदर आवे, ओते मेरे को पैसे जीत लेने हैं। लेकिन तुसी मेरे कहते बाबा दिन रात दा, बाबा दिन जानदा रात जानदा। अच्छा जी, समझ आओ उस कुर्सी ते बैठ के सारे सवाल कर जी, उथे ही बैठ के करना, मैं केड़ा इथे बैठ के करना जी। अगले एक ऐसे साहब हैं जी जो सुबह उठ के अखबार खोलते हैं और देखते हैं कि मेरा दिन आज कैसा गुजरेगा और उसके हिसाब से पूरा दिन गुजारते हैं। यानी स्टार पढ़ के, स्टार पढ़ के जी तशरीफ लाते हैं जी। अंदर आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ लगे आ रहे, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? कुछ नहीं जी, खैरियत ही है। ये क्या उलिया बनाया हुआ है आपने? सर मेरे स्टार ने कहा चेकदार अंगूरी और लाल लबास होना चाहिए। अच्छा, तो मेरे पास नहीं था, मैंने ये बना के पहन लिया। अच्छा, आपने पूरा कर दिया लाल चेकदार अंगूरी। वाह, किसे पेंटर का फटा मोड़े ते रख लेना, तुहानू उच्चो सारे कलर मिल जाने। स्टार नाल इन्नी मोहब्बत, तैनू स्टारां दे विच भेज दी है, गोली मारने मर जाएगा उत्ते चले जाएंगे। तुहाडे काबू नहीं आ सकदा, सिर्फ इस बंदे नूं मैं काबू करदा क्योंकि मेरा मुश्तरी मजबूत है। आप बैठे, आप जाके तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। बहुत शुक्रिया जी, तालियां। अगर आप मुझसे मेरी टैरो कार्ड की रीडिंग ले लेते तो मैं आपको ये बता देती कि आप लाल रंग के बगैर भी घर से बाहर निकल सकते हैं। ये है मेरा फन, इन जाहिलों ने तो आपको कुछ कलर्स में महदूद कर दिया, आपको पागल बना रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, शीशा। इसके साथ तुम्हारे हाथ देख कर बता सकता हूँ कि आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि मेरा मुश्तरी बड़ा मजबूत है। मुश्तरी बाबा जी की हुआ? जादू दी तह लगी काका। ओए होए होए, बाबे उन्होंने सफाई करने का शौक। ओए होए बाबा जी, बाबा जी पहुंचे हैं। सदका होना चाहिए, सदका हर बला को खा जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो बला है जेडी सदका भी खा जाती है। जंगा बीली की नकुलो, एदी सास दा नाम है। इसकी मैंने तस्वीर देखी थी, मुझे लगता है गल्ला दसोगे। एक मिनट, जंगल च में आया बच्चा जी। एक मिनट चले, आप मुझे ये बताएं आप ये कब से काम कर रहे हैं? मैं जी जब से मैंने होश संभाला है, ये मेरा खानदानी काम है। मेरे दादा हजूर, अच्छा, तारों की चाल जानते थे, उनको किसी ने कह दिया कि बाहर खतरा है, घर से बाहर मत निकलना। हाँ जी। तो दादाजी ने फैसला कर लिया कि आज मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। ठीक है, घर नू आग लग गई। लोग कह बाहर निकलो, कवे नहीं मैं नहीं जाना बाहर, खतरा। पुछ के मरे ने
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਪਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਦਿਨ ਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਅੱਪਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਗਏ ਤੋ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਨੀ ਓਹੋ ਅੰਧੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅੰਧੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਫੱਜੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਪਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਖਾਤੂਨ ਯੇ ਕਾਮ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕੀਆ ਕਿ ਯਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਕੋ 5000 ਹਰੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਚਾ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ। ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮੁਝੇ ਸ਼ੌਕ ਥਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਦਰ। ਮੁਝੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਅਜੀਬ ਓ ਗਰੀਬ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਥਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬਾਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਕੇ ਟੰਗ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਟੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾ, ਟਿੰਡ ਪੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਝੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਮ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆਪਕੀ, ਹਾਂ, ਤੋ ਡੋਲੀ ਮੇ ਦੁਲਹਾ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰੀ ਗੰਜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਜਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਬ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਇਨ ਆਮਿਲ ਬਾਬਾ ਔਰ ਇਨ ਜਾਹਿਲ ਨਜੂਮੀਓ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਨਕੋ ਕਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਤੁਮ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ? ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਯੂ نو ਆਪ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਮੇ ਉਸਮੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਸੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰਤੇ? ਕਾਰਡੋਂ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਇਹ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਲੇ ਚਲੇ, ਅਭੀ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਨ ਹੋਗਾ ਤੋ ਹਮੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਤਾਈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੈਸਾ ਜਾਏਗਾ? ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਅਭੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਛੋੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੈਂਸ ਦ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਲੁੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਯੇ ਦੇਖ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾ ਕਾਰਡ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਕਪਸ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਂਡਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਡਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਂਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾ ਕਾਰਡ ਹਮੇ ਯੇ ਬਤਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕਾ ਯੇ ਸ਼ੋ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੇ ਸ਼ੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਨ ਪਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ? ਆਈਏ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਡ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾ ਕਾਰਡ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਇਨਸਾਫ ਹੋਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਤਨਾ ਇਸਮੇ 100% ਡਾਲੇਂਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਫਾਈਵ ਆਫ ਪੈਂਟੀਕਲ ਕਾ ਕਾਰਡ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਯੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਮੀ ਕੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਆਫ ਪੈਂਟੀਕਲ ਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕਾ ਯੇ ਸ਼ੋ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਡਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਹ, ਆਪਕੇ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਚਲੀਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਵਾਰ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਾ ਯਾਰ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਆਪ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡਸ ਕੋ ਟੱਚ, ਇਸਮੇ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਪੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਤੇਰੀ એનર્ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡਸ ਕੋ ਟੱਚ ਕੀਆ, ਮੈਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਮੇ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਥੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਆਪ ਯੇ ਹੈਂ? 15-20 ਸਾਲ ਸੁਣਾ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਯੇ ਸਾਲਾ ਸਾਲ ਸੇ ਯੇ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ।
अच्छा, आप रोजाना पढ़ के आप उसके हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं? मैं जिंदगी गुजार। इसका कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं? हाँ जी, शादी वाले दिन तो बहुत फायदा होया मेनू। अच्छा, हाँ जी। वो किस तरह? मेरे स्टार ने मुझे दसा कि लम्बे वाल वाली औरत तुहानू धोखा देगी। अच्छा, लो जी रैंबो साहब बेगम मेरी सारी रात अंदर बैठी रही, मैं बाहर फिरदा रही। बंदा देगा पकाउन आया से कोई टेंड करा दी। आप मेरे मेले पे ना आप बाहर बैठते ना भाभी की टेंड होती। अब आप बता दे मैं क्या करूं, बताइए लीला, मुझे बता दीजिए। तेरे को एड्डा बड़ा, एड्डा बड़ा बंदा बैठा है, तू ना बोलो अंग्रेजा को पूछ। एड्डा बड़ा बंदा बैठा है, 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। ओ दादा जी, आ मिल वे दस दियो, तुसी कोई ऐसा तमीज दियो, तुसी कदों नहाना बाबा जी, उनू ओ दस दियो बाबा जी, ना भी कड़ा कसम चुक बाबा जी, तू ऐसा तमीज दे दियो कि मैं सवा अपने आप ते उठा तुहाडे ते। बस बेटा, बाबे नु गन्नेया करी। आप मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए तो पता थले रख ला, जब एयरपोर्ट तक सवारी लेने आई है खड़ा कर देनी को दे आ जाओ। आपके लिए कार्ड निकला है द टावर। अच्छा, द टावर। द टावर का मतलब है कि आप किसी ऊंचे टावर पे चढ़ के अगर एक दफा छलांग लगा देंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बदल जाएगी, रहना ही नहीं तो जिंदगी भी बदल जानी। छलांग मारनगे तो रहनगे ही नहीं तो जिंदगी तो बदलनी है। बाबा जी तुहाडियां खदमात, मैं सारी जिंदगी खदमात करा, मैं सारा महीना बिजली जलावां तो बिल तुसी देवो, कोई ऐसा तरीक नहीं। चाहे तो इमरान खान भी नहीं कर सकता, साडे कोलों कोई ऐसी गल पुछ। हाँ जी, ऐसा काम करवा जेड़ा साडी पहुंच च होवे। बच्चा, अगर आप मुझे एक सवाल, आप कोई ज़हन में सोचिए एक सवाल, कोई एक सवाल आपने क्या सोचा? मैंने होने लाटू जिया काट लेना, कांद सीधी करना। एक्सक्यूज मी, ओ नो, साल 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 सही करना। एक्सक्यूज मी, ये पेंडुलम है और ये मैंने बहुत दूर से पढ़ा। पेंडुलम मेरा सवाल ये है कि बेगम मेरी अगर मेरे हक में नहीं है, एक में शादी और कर सर कितने हक है चे? कितने आप होल्ड कीजिएगा प्लीज। सो थ्री सेकंड मैं लंबी कॉल कर रहे हैं। आईज बंद कीजिए, अखां बंद, अखां बर्फ कर ली है। सो यू कैन सी देखो जी, आपके पड़ोसियों के साथ उनकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन। वाह 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 वाह, किनकी? इनकी बेगम की, यानी मेरे पड़ोसी है ना। डल डल डल, ये क्या कह रही आपने? ओ गैरत खा, अरे गैरत खा, अच्छा सही क्या पुरानी फिल्मों दे मजलूमा, तू गैरत कैसे? मेरी बात सुनी, ओ तेरा दिमाग खराब है, अद्धे घंटे तो मैं एक क्यू मांग रहा, वो नहीं देन दिया सारे। आप मुझे ये बताएं, आप पता नहीं इनकी इल्म पे यकीन रखते हैं कि नहीं, ये सितारों की चाल जो नजूमी है, जो लकीरें देखकर बता दो। मैं बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, मैं इन्हें तो यकीन नहीं करता। मैं एक करी इस नजूमी नु क्या, हां मैं क्या भाई बच्चे अजमान वास्ते, अजमान वास्ते मैं क्या मेरी जिंदगी दा हिसाब कट। हां जी, इन्हें यकीन करो परचून वाले दा हिसाब कट। इहदे 1750 रुपए निकले जिहड़ा उन्हें नजायज लिखे, इह नहीं पता लिखे उन्हें सही लिखे या गलत लिखे, मैं जो कट गया बकाया पूरा निकले आता जना। बाबा जी, आपको हिसाब दिलवाने की जरूरत क्या? आप अपने मोकल से क्या सामान ला दिया करें? मोकल से मंदा कदो मोकल ते कोर रहंदा दी हमकना बेहोश हो जांदा, मोकल लाख दिन बाद उठदा। मैं करी असन जूमी नु क्या, मैं कहा काका कोई ऐसा काम कर, कोई ऐसा अमल कर के मेरी चीखा निकल जा। अच्छा, मेरा बुए चाहता है। चल, मेरे इलम ने काम किया नहीं, फिर मेरी बीवी नु तकरीबन कोई 6-7 महीने हो गए ने गई नु, मेरी बीवी आ जाएगी, कोई ऐसा तमीज दो कि मेरी बीवी घर हुण बेटा उन्हें बुलाने का की फायदा, जेडी 6-7 महीने तेरे तो दूर रही है, हुण बुलाने दा ते फायदा ही कोई नहीं, हुण ते तेनू जायका भी भुल गया। बीवी यार मेरे आने नहीं है, किहो जी हांडी पकाउंदी सी, किहो जी रोटियां पकाउंदी सी, भारी भारी रब लूड़ी दी भी सुन लैंदा बाबा जी, ऐसा कुछ सानू तवीज दे दियो जिद ना साडी घरदारी ठीक हो जाए। तेरी बीवी इत्थे आ जाए? हां, ओए बाबे कोल ऐसा कोई अमल हुंदा ते बाबा आप जंगलां च रहंदा कल्ला। बाबा जी अपनी बीवी 9 साल तो नसी। बाबा जी तो आपकी बेगम भी हां जी मेरे अमल तो जाहिरा, आप ये जो काम करते हैं उन्होंने वो अपने वापस घर चली गई हैं। ए बाबा जी मैं दस रहा जनाब, पेके चली गई हैं? पेके नहीं चले गई, अपने पहले मंगेतर को चले गई, उदे च हुण 5-6 बच्चे भी। हां जी, ओए हुण बाबा जी दे मरीज ने सारे पेके नहीं गई, कितने पेके गई। ए बाबा जी ओ होए ने जनाब। हां जी,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂਰੀ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਇਹ ਆਪ ਬਹੁਤ, ਦੋਵੇਂ ਇਲਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲਿਆਜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਪਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਲਕੀਰੇ ਕਿਆ ਕਹਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਏ, ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਵੇਖ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਵੇਖ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵਾਂ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਮਖਾਣੇ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਤੀਨ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਯਹੀ ਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। اب آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ ان کو علم آتا ہے کہ نہیں، جتنا آپ کے پاس تھا وہ تو شو ہو گیا۔ کوئی سوال پوچھیے، اس تو بعد میرے کو بھی پوچھ لینا، جھوٹے ہو، پوچھے پوچھے محترمہ، میرا بھی کوئی سوال کا حل نکال دو۔ ایک منٹ ٹھہر، ایک منٹ ٹھہر، ایک منٹ، کبھی تو سائی وال دا بن جانا، کبھی تو حیدرآباد دا بن جانا، پنجابی اردو مکس، تیرا سوال بعد چ حل کرنے ہو، گانے مرود قسمہ کھا کے بیچن والے ہاں جی، میرا تسی حساب کٹ کے مینوں دسو کہ میں کتھے رہ رہا ہاں اج کل، لو جی لگ جائے گا۔ اچھا، کتھے رہ رہے ہیں؟ کتھے رہ رہے ہیں دسو، اپنے کاٹاں دے ذریعے دسو، ہائے کیتے یاد نے اپنے کلاس فیلو جننے سر جڑی میرے لیا یہ سچی بات ہے، یہ حالات اس نے بالکل ٹھیک بتائے، لائنا دے نال نال مل گئے چھگیاں نے، پر ایدم ہوتا ہے اوتھے میں رہنا، جدوں بارش ہوندی ہے میں نال تینوں کہنا آ جا بیٹھ کے نچوڑیے، کپڑے جی کلی لا کے اسی اوتھے رہ گئے۔ چیک کیجئے، ٹرین کولو تیز لنگ جے تے میرے مکان سمندری کو لبدے نے نا، اوتھوں جا کے لیاں، اوتھوں جا کے پھر اسی ٹرین دے بیٹھ کے لے کے اوناں میرے، اوئے ہوئے پھر لے کے اوتھے لائی دے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علم صحیح نہیں تھا، آپ جھوٹے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تجھے میں نے دسو شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی۔ تینوں بڑے سر والے خاوند، تیرے دی قسم ہے، نہیں میری ان کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن میری شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، شادی نہیں ہوئی، دوسرا نام ہے انڈرسٹینڈنگ۔ انڈرسٹینڈنگ، آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، تو پھر حشر کیوں نہیں ہوا؟ میری زندگی دے وچ خوب روح خوبصورت کڑی کدوں آئے گی؟ کڑیاں تو علاوہ کوئی سوال نہیں تھوڑا بابا جو یا سٹار کارڈ اے نہ اے تسی جھوٹے پے جانا۔ ایک منٹ ابھی دکھاتی ہوں۔ فراڈ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان کی لائف میں ایک لڑکی آئی تھی جنہوں نے بن کے مارا، بن کے مارے، یہ وہ لڑکی ہے، تو لڑکی ہے یار، دیکھیے میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا علم جھوٹ نہیں ہے، یہ بندی ہوئی ہے جی لڑکی، جو لڑکی آپ کی لائف میں آتی ہے آپ کی وجہ سے وہ خود کو سٹک فیل کرتی ہے، بن کے مار دے، اپنی کیا صحیح ہے، بالکل میں نہیں جی بنی، یقین کرو یہ ماں پیو نے بنی، کیونکہ میں 20,000 کی خریدی تھی، ٹھیک ہے، میرے نال نہیں ٹورتی، وہ ماں پیو نے بنی۔ میرا حل جہاں تھی کٹو سرکار، کی کوئی ایسا نگ دو جہاں میرے مسئلے اپنے آپ ایٹومیٹیکلی حل ہو جائے۔ میں تینوں ایسا نگ دیا گا، ایک بار تین ناگ جہاں انج کرے گا تو پور باجو ناگ دیا گیا، نگ مانگ رہے ہیں، پتھر، اچھا سٹون، پتھر مانگ رہے ہیں، میں پتھر مانگ رہا ہوں، اور ایڈا بے وقوف ہے، اپنے کول ایڈا اچھا سٹون ہے، تو تہاڈے کولوں مانگ رہا ہے، تے نو لے جاؤ گھر اپنے مسئلے حل کرو، میرے تے ہونے نہیں۔ اچھا، تانوں میں پتھر دیاں گا جی۔ اچھا جی، تسی او ذرا سر لا ذرا آ کرو، آ پتھر
पत्थर बना दिया मुझे, पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया, रोने नहीं दिया, तेरे गम में दामन भी तेरे गम में, हाँ दामन भी तेरे गम में भिगोने नहीं दिया, पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया, पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया, दामन भी तेरे गम में, दामन भी तेरे गम में भिगोने नहीं दिया, पत्थर बना दिया, वाह जी वाह वाह, रोने नहीं दिया यार, पत्थर आप वेला हो गया जी बाजी, ये वेले नहीं हो रही मुझे, मेरी एनर्जी है इसके अंदर, अच्छा जी अगर आपको अपने अपने इल्म पे जी अबूर है और आप कहते हैं जी मैं ठीक हूँ, आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप कहती हैं आप ठीक हैं, मैं 110% मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पीडीएम जो इस वक्त कर रही है क्या ये सही कर रही है? ये देखिए जी अपना हक मांगने के लिए सबको हक है, अच्छा जब मौजूदा हुकूमत ने अपना हक लेने के लिए ये सब कुछ किया था तो अब इनका भी हक बनता है, ये क्या नाम लिया पीडीएम, ये सारे एटीएम पे जाए, पीडीएम वाले एटीएम पे जाए, एटीएम पे जाए पैसे निकाले और अपनी जमात पे खर्च करें और इंशाल्लाह अपने मकसद में ये कामयाब हो। अच्छा आप ये कहते हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे? जी ये पक्की बात है, पक्की बात, ये रिकॉर्ड हो रही है, कल को हम दोबारा भी चला सकते हैं जी, बिल्कुल चलाएं, आप सच और झूठ का पता चलेगा। खातून आप क्या कहती हैं कि पीडीएम के साथ क्या होने जा रहा है? कार्ड कार्ड लेंदी है, पता नहीं पटीना भर रही है, हर बार कट के इंजन शुरू हो जाती है। पीडीएम के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है जो ये साबित करता है कि उनमें स्ट्रेंथ है, वो लड़ सकते हैं, अपने हक की बात कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी जी बिल्कुल, लेकिन कमाल है यार, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बातें, लेकिन ये वो कार्ड है, ये वो कार्ड है नाजरीन, ये वो कार्ड है, हाँ ये वो कार्ड है, कौन सा जेड़ा है ना काटा जी पिया था। अच्छा जी मैं आ रहा हूँ उधर भी आ रहा हूँ। अच्छा जी आप कहती हैं कि ये अपने उनके पास पावर जरूर है, मर्जी कर ले पीडीएम जो चाहे कर ले, जितने जलसे कर ले, गवर्नमेंट 5 साल पूरे किए बगैर कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, लिख लीजिएगा, हो गया जी लिख लिया जी नोट, बल्कि रिकॉर्ड हो गया ये हमारे पास, पीडीएम कामयाब होएगी या सरकार कामयाब होएगी? बाबा पागल नहीं, बाबे ने कोई गिरफ्तार नहीं होना, कमेंट्स कर तुसी ये दसो बाबा जी मैं तुहानू पुछना मौजूदा हुकूमत मुझे आप ये बताएं भाईजान, 20 साल से आप सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ के उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, आप मेहनत मजदूरी करके अपने हालात खुद क्यों नहीं ठीक करते? जी मेहनत मजदूरी करने पे असी जाने हुण कितने ना काम मिले की करिए, हर जल से जाने जी 300 रुपया लेना, रंग रोगन का काम मैं कर लेना, आलू छोले मैं बाल लेना, पल्ले मैं बना लेना, सफेदियां मैं कर लेना, अब बीवियां जी इनू बात क्यों छड़ के गई, क्यों हर काम ते आप कर लेते, बीवी वाले काम भी आवे, वो घर च वेली बैठी, मेरा मतलब आटे दे भांडे धो लेंदा, कपड़े आटे दे पेड़ी मैं कर लेना, आटा मैं गुन लेना, ओ तो यार फिर आप तो आपके हालात क्यों नहीं बदल रहे जब इतने काम कर लेते हो? इससे नहीं रोना तो मैं इन्हें आगे रोना आया, अमरीका सिर्फ तवीज लैन सीधा आया मेरे को
चोरी चोरी अपने इंतखाबी निशान पे बैठ गए। अपने इंतखाबी निशान यानी कि गद्दे पे बैठ के आए हैं वो। खोते ने बैठ के जो बाइडन मेरे कोल डेरे थे। बाबा जी चवला ना मारो, खोता को अमेरिका तो पाकिस्तान आने लिए कई साल लग जाएंगे। वाह बोले बादशाह पिंडी रहना तेनू की पता। जहाज के खोता खड़ा करके उत्ते जो गार्डन बैठा थे। अच्छा वो फिर जो बाबे को आया खोता फिर बाबे बह के गया। मनहूस आदमी जी जी मैं जेड़ा इधर वाला बैठा। हाँ जी रेस च कला दौड़े। अच्छा फिर सेकंड आया फिर परछावा जित गए। ये जो है ना ये जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते मैं बताता हूँ। ये मेहनत ही नहीं करते, ये रोज सुबह सितारों पे चलते हैं। सितार पढ़ता बस। आप भी किसी को कहते हैं ना जी कि ये पहनो और ये करो, अगर वो पहन ले और करे कुछ ना तो वो तरक्की करेगा नहीं करेगा। तो ये पहन लेता है ये करता कुछ नहीं है बंदा। हिलने जुलने में बरकत है, हिलेंगे तो काम होगा। ओ इतना ना हिलाओ मेनू, मेरा ऑपरेशन होया। नजूमी भाई आप मुझे ये बताएं कि सुबह बनने जा रहा है कि नहीं गिलगित बल्तिस्तान। ये जो अभी इलेक्शन हुए जी जी गिलगित जिप्पा जिप्पा गिली गिली। रैम्बो साहब जी जी मेरा इलम जेड़ा दस रहा है कि सूबे पाकिस्तान दे जिन्ने मर्जी बन जाए लेकिन मुल्क सारा एक रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत एक दूसरे नाल मोहब्बत नाल कंड नाल कंड जोड़ के खलो जान ते दुनिया वाले नु दस दियो कि पाकिस्तान जे भावें 80 सूबे बन जान पाकिस्तानी एक ने ते जिथे वे लोड पई सारे कठे होके दुश्मन नु सिद्धा कर देण। वाह वाह जी क्या बात है। चले जी आखिरी कार्ड निकालें, शो का टाइम खत्म हो रहा है। देखिए जी आपके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वैंस का कार्ड। अच्छा ये हमें नाइट ऑफ वैन का कार्ड के तुसी वैन दे थल्ले आके मरना। बुझ लिया बुझ लिया बुझ लिया बुझ लिया। तुसी और लाटू भी कड़ो कंद कभी लाटू क्या मतलब आप बताओ ना मुझे खाला जी। आप अपना सवाल कीजिए, कौन सा सवाल है आपका? सवाल है मैं अमीर हो जाऊँ रातों रात? आपके हर सवाल का जवाब है नो नहीं। अच्छा आज जरा हिलन दे है अगर आपको एतबार नहीं तो आपने मुझसे पूछा क्यों? आप कभी भी ऐसे मत सोचिए कि आपको जादू से कोई ठीक कर देगा। आपके कार्ड में इतना असर नहीं है जो आप बनाना चाहती है, आप हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। यार कोई किसी को नहीं मानेगा जी, ये इस मुल्क में कोई किसी को नहीं मानता। इनको लड़ने दे, शो का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज। रब रखा मेरी बात। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।